हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ योर 150 एमसीक्यू सीरीज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा ये मैंने सीरीज शुरू करी है अभी, कॉस्टिंग और फाइनेंस की मैंने ये सीरीज शुरू करी है एक ही आइडिया से कि हमारी रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और प्लस हमारे जो सेक्शन वाइज है, तो जो कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस है, उनकी रिविजन हो जाए एमसीक्यू के थ्रू ही और फिर आपके उसके चलते प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आपको पता है मैंने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स देखेंगे और आज का सेशन है स्पेशल फ्रेंड्स। आज मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो आप अपना कॉफ़ी या चाय जो भी लेके बैठना चाहे बैठिए और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको आज सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट। तो पहले आएंगे क्वेश्चंस मटेरियल कॉस्टिंग से कुछ, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कंसिडर अ कंपनी यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, के पास दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। एक होता है परपेचुअल, जो आप रिकॉर्ड करते हैं या अपडेट करते हैं अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को इमीडिएटली आफ्टर एवरी रिसीप्ट, यानी जो आप परचेज करते हैं सामान की, या एवरी इशू, यानी आप जो अपने स्टोर से निकालते हैं उसके बाद आपको इमीडिएटली ये जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करना होता है। और इसमें दो तरह के मेनली रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एक होता है आपका बिन कार्ट का, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखी जाती है, और एक होता है आपका स्टोर्स लेजर का, जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ आपका जो है वैल्यू भी हम अपडेट करते हैं। फिर आता है आपका पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में आप सपोज कीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, अपने ऑपरेशंस को थोड़े दिन स्विच ऑफ कर देते हैं या रोक देते हैं, फिर स्टॉक टेकिंग करते हैं और फिर आप अपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या एंडिंग इन्वेंट्री की जो फिगर्स हैं उनको अपडेट करते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आपकी क्या है, एक तो आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम्स है, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सामान मैंने सबसे पहले खरीदा होगा मैं मानता हूँ स्टोर्स में से वो ही निकला होगा सबसे पहले। लीफो क्या होता है कि जो आपकी लेटेस्ट परचेजेस होंगी वो ही बाहर जा रही होंगी सबसे पहले, और एवरेज कॉस्ट में आप परचेजेस और बिगनिंग इन्वेंट्री को एडअप करके एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं और उससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर्स पे अराइव करते हो। इस पे मैं आपको आज क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो चिंता मत करिएगा। तो बढ़ते हैं, अपना वापस चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर अ कंपनी यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। जनवरी 1st को उसके पास कुछ बिगनिंग इन्वेंट्रीज थी, तो 34 यूनिट उसके पास तब पड़े हुए थे, यानी पिछली बार का कैरी ओवर होगा। फिर उसने 3 बार कुछ साल में परचेजेस करेंगे, मार्च में, अगस्त में, अक्टूबर में। फिर बोलता है द कंपनी सोल्ड 73 यूनिट्स ऑन 1st में, ठीक है, 68 यूनिट्स ऑन अक्टूबर 28th। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो। तो आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से आपको प्लस पीरियोडिक सिस्टम से आपको इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी। फ्रेंड, सबसे पहला काम आप करोगे, पहले तो आप सेल्स को एड अप कर लो, यानी मई 1st की सेल्स है 73 यूनिट्स की और आपकी अक्टूबर की मैं बात करता हूँ 28th की सेल्स है 68 यूनिट्स की। टोटल अगर आप करते हो तो आ जाता है 141 यूनिट्स, यानी आपने टोटल साल में 141 यूनिट्स की सेल करी। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ से आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, फीफो में आप बोलते हो जो हमारी यूनिट सबसे पहले आई थी, तो सबसे पहले क्या आया होगा, सबसे पहले आपकी जो पुरानी इन्वेंट्री वो आपने स्टोर्स में लिखी होंगी, यानी फर्स्ट ये चल के आई होंगी बिगनिंग इन्वेंट्री। सेकंड क्या आई होंगी, मार्च वाली परचेजेस, ठीक है, और थर्ड क्या आई होंगी, अगस्त वाली परचेजेस, और फोर्थ लास्ट में अक्टूबर वाली। अगर आप इसको लूजली देखो तो मैंने क्या करा है, जैसे जैसे मंथ्स आ रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे वैसे इनको एक रैंकिंग दे दी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे रैंकिंग देते नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ऐसे रैंकिंग दी है कि पहले मेरे पास ये होगी फर्स्ट इन, फिर मार्च वाली 28th वाली सेकंड इन, अगस्त 22 वाली थर्ड इन, और अक्टूबर 14th वाली फोर्थ इन, यानी मैं फर्स्ट जनवरी को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद मार्च को प्रायोरिटी दूंगा, फिर अगस्त को प्रायोरिटी दूंगा, फिर अक्टूबर को प्रायोरिटी दूंगा। सोचने के लिए एज अ असेंडिंग ऑर्डर भी आप फीफो को समझने के लिए समझ सकते हैं। अभी 141 यूनिट्स का हिसाब किताब शुरू करते हैं। पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो 141 यूनिट्स कहाँ कहाँ से सेल हुई होगी, यानी कौन कौन सी इन्वेंट्री मैंने अपने स्टोर से इशू करी होंगी फॉर द सेल्स। तो 141 यूनिट्स में सबसे पहले आपने फर्स्ट क्या दी होगी, बिगनिंग इन्वेंट्री।
वो हो जाती है 34 यूनिट्स। अब आपने जब 34 यूनिट्स इशू कर दिए, यानी ये हो गई जीरो, और आपका इसमें से भी मैं माइनस करके बता देता हूँ, इसमें से कितना बचा फ्रेंड्स आपका, आपको अभी 107 यूनिट्स और एलोकेट करने हैं सेकंड। अच्छा ये रेट भी मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ। अब क्योंकि वो जीरो हो गई, अब आपका सेकंड दिन कौन सी थी, सेकंड दिन थी आपकी मार्च 28 की परचेजेस, वो कितनी थी 44 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 12। तो आप इसको जब इंटू करते हो तो ये आ जाता है 528। अब मैं अपनी और देख लेता हूँ कि मुझे और कितना देखना है कि कितनी सेल्स और एलोकेट करनी है टूवर्ड्स द योर परचेजेस। तो 107 में से मैं 44 यूनिट्स और हटा देता हूँ, तो ये आ जाती है 63 यूनिट्स। अब आपको थर्ड दिन देखनी है, क्योंकि ये तो अब जीरो होगी क्योंकि मैंने ये दोनों पूरी पूरी एलोकेट कर दी। तो थर्ड किसको प्रायोरिटी दो गया, अगस्त 22 की परचेजेस को। तो पीपी जो लिख रहा हूँ परचेजेस को है, और बिगनिंग इन्वेंट्री तो मैंने लिख ही दिया ऐसे। तो अब आपको 63 यूनिट्स एलोकेट करनी है, यानी अगस्त के थे आपने परचेज की 68 यूनिट्स। अब ये दो जगह जाएंगी, एक जगह कहाँ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 63 यूनिट्स, और आपकी बची हुई एंडिंग इन्वेंट्री में चली जाएंगी 5 यूनिट्स। और आपकी जो अक्टूबर 14 की है, ये पूरी की पूरी आपकी एंडिंग इन्वेंट्री में चली जाएगी। ठीक है, तो आपका अगस्त 22 को ये आपकी जाएगी 63 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14। तो कितना आ जाएगा, 63 × 14 जब आप करते हैं तो ये आती है 882। तो टोटल आपकी सेल्स हो गई, ठीक है ना, 141 यूनिट्स की, और उनकी टोटल कॉस्ट क्या है फ्रेंड्स, 340 प्लस 528 एंड 882, 1750। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा मेरे से पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो क्या बची, मैंने आपको मैंने पहले बताया था अगस्त की आपकी 5 यूनिट्स बच रही एट द रेट ऑफ 14, और आपकी अक्टूबर 14 की पूरी एलोकेट नहीं करी गई कहीं पर भी एट द रेट ऑफ 16। तो 70 और ये आपका 1168 एज इट इज आ जाएगी। टोटल मैं करता हूँ अगर 1168 प्लस 70 तो आपका 1238 आपका एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। तो पार्ट नंबर बी एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाला है, पार्ट नंबर ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली। तो मैंने जैसे ही आपको समझाने के लिए बस एक मतलब आइडिया देने के लिए और टू हाउ टू डू इट एक आप रैंकिंग दे सकते हो कि मेरे पास ये पहले फर्स्ट आई होगी फीफो मेथड के लिए। तो आप मैंने जैसा आपको बताया एक असेंडिंग ऑर्डर भी आप सोच सकते हो लूजली, लेकिन बहुत ईजी है अगर आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये फीफो ही हो रहा है, कि जो मेरे पास पहले सामान था मैंने उसी को पहले बाहर भेजा है। ठीक है, तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, बोलता है देखिए ये सारी डाटा सेम है लेकिन मैं वापस पढ़ रहा हूँ। कंसिडर अ कंपनी यूजिंग पीरियोडिक सिस्टम, वही डाटा दे रखा है, अब आपको लीफो से निकालना। फर्स्ट स्टेप हमेशा वही, क्या करेंगे आप, अब इसमें करना है फ्रेंड्स लीफो प्लस पीरियोडिक। ध्यान दीजिएगा आपकी टोटल सेल्स कितनी होगी, अगेन आप ऐड करेंगे तो वही मई की 73 यूनिट्स और आपकी अक्टूबर 28 की 68 यूनिट्स। तो टोटल सेल्स हुई है आपकी 141 यूनिट्स की। अब इनको इन्वेंट्री से एलोकेट करना। अब इसमें लीफो में क्या होता है कि जो सबसे बाद में सामान आया होता है वो पहले निकलता है, यानी सबसे बाद में आपके पास अक्टूबर 14 का आया हुआ, उससे पहले सेकंड नंबर पे अगस्त 22 का, थर्ड पे मार्च 28 का, और जनवरी तो सबसे पहले का सामान पड़ा हुआ है, इसको हम लीस्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे, सॉरी फोर्थ रैंकिंग होगी इसकी। ठीक है, अब आपको जो 141 यूनिट्स एलोकेट करनी है तो आपकी लास्ट परचेज इसको करनी है। तो आपकी लास्ट परचेज कौन सी, तो मैं यहीं वापस ऐसे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लास्ट परचेज है आपकी अक्टूबर 14 की जो है 73 यूनिट्स की, और उनका रेट कितना है एट 16, टोटल 1168। आपने इसमें से 73 हटा देते हो तो ये पूरी की पूरी आपकी कंज्यूम हो गई, यानी अब बचा इसमें से जीरो। और मैं यहाँ से अगर 73 हटाता हूँ तो कितना बच जाता है फ्रेंड्स, 141 माइनस 73, अब आपके पास बच जाती है 68 यूनिट्स जो आपको एलोकेट करनी है टूवर्ड्स द परचेजेस। नेक्स्ट आप देखते हो तो टोटल अगस्त 22 की सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी थी मैंने। अब अगर आप इसको सोच रहे हो विद द लीफो, तो आप एक
डिसेंडिंग पैटर्न सोच सकते हो। अगस्त 22nd की पूरी परचेज 68 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, ये पूरी की पूरी हम कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शिप, तो 952। तो मैं टोटल बोलता हूँ आपके 141 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द वैल्यू ऑफ 1168 प्लस 950, तो ये आ जाता है आपके पास 2120 के आपके पैसे आ जाते हैं। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये भी पूरी की पूरी यूटिलाइज हो गई। बची क्या? एंडिंग इन्वेंट्री। ये क्या बची? आपके पास मार्च 28th की परचेजेस और जनवरी 1st की बिगनिंग इन्वेंट्री, तो 44 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 इतनी 528, और वापसी 34 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 340। अगेन वी हैव 78 यूनिट्स लेफ्ट, बट द कॉस्ट इज 528 प्लस 340, अभी 868 की ये वैल्यू आ जाती है। ये है फ्रेंड्स पीरियोडिक लीफो, एक बार आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पीरियोडिक लीफो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब पूछता है सेम डाटा है, बट अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी योर वेटेड एवरेज। जैसे मैं आपको कहता हूँ वेटेड एवरेज के लिए मैंने आपको पहले से ही बोल दिया था कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्रेंड्स वेटेड एवरेज में फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अपनी सेल्स को ऐड कर लीजिए। तो आपके पास मई 1st की सेल्स हैं 73 यूनिट्स की और अक्टूबर 28th की सेल्स हैं 68 यूनिट्स की, टोटल 141 यूनिट्स की आपको सेल्स हैं। फ्रेंड्स वेटेड एवरेज में बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको बता रहा था वी टेक द वेटेड एवरेज ऑफ द यूनिट्स आपने जो परचेस करी हैं, तो टोटल कॉस्ट आप ले लोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट आपको पूरी की पूरी दे रखे 2988 और आपको यूनिट्स भी दे रखे 21, ठीक है। तो 2988 डिवाइडेड बाय 219 सिंपल डिवाइड करते हो तो ये आपका आ जाता है 13.64, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ पर यूनिट, तो ये आपकी एक वेटेड एवरेज रेट आपने इन्वेंट्री का निकाल लिया। अब ये जो 141 यूनिट्स है इनको आपको कहीं सेग्रीगेट नहीं करना है, सिंपली आप कर दोगे 13.64 इंटू, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 141 यूनिट्स यू हैव सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 या वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ 13.64 पर यूनिट, ये आता है आप अगर इसको इंटू करते हो 1923। एंडिंग इन्वेंट्री भी आसान है, एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी 219 माइनस 141 यूनिट्स की सेल, बच जाती है 78 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 13.64 पर यूनिट, और ये अगर आप इंटू करते हो ये आता है 1064, तो ये अमाउंट की बात होगी, ठीक है। सिंपल है, वेटेड एवरेज में कुछ नहीं करा, डिवाइड कर दिया कॉस्ट को यूनिट से, एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया और फिर आपने बिल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए सीधा सेल्स की यूनिट से इनटू रेट और एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स इनटू रेट। वेटेड एवरेज बहुत सिंपल पीरियोडिक सिस्टम का। तो हमने तीनों मेथड से, पहले फीफो मेथड से मैंने आपको बताया करना, फिर लीफो मेथड से करना बताया। तो फीफो में मैंने आपको बोला था एक असेंडिंग ऑर्डर से आप सोच लो लूजली, और जो आपका लीफो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर से आप सोच लीजिए। फिर आपका मैंने वेटेड एवरेज कुछ भी नहीं करना, आपको बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस की कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देना है, एक रेट ले लेना है, फिर आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो और एंडिंग इन्वेंटरी निकाल लो। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है अरविंद लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टायर्स फॉर डिफरेंट कार्स। तो अरविंद लिमिटेड क्या करती है, टायर्स को मैन्युफैक्चर करती है। एज पर अ रीसेंट मार्केट स्टडी देयर विल बी अ डिमांड ऑफ 80 मिलियन टायर्स इन द कमिंग ईयर। तो एक मार्केट स्टडी बोली जाती है जिसमें बोला जाता है कि अगले आने वाले साल में जो डिमांड है टायर्स की वो 80 मिलियन की रहने वाली। अरविंद लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 1.15% ऑफ द टोटल मार्केट। यानी क्या बोल रहे हैं कि 80 मिलियन टायर तो अगले साल बिकेंगे, लेकिन जो अरविंद लिमिटेड है ना उसका जो मार्केट शेयर है सिर्फ 1.15% का है, ठीक है। फिर बोलता है इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट INR 1.50 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटीरियल INR 3500 पर ऑर्डर फॉर द रॉ मटीरियल। वो जो रॉ मटीरियल है वो रबड़ है टू बी यूज। यानी आपको बोला है होल्डिंग कॉस्ट तो 1.5 दे रखी है, लेकिन वो दे रखी है पर मंथ की। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है इट इज गिवन पर मंथ, और आपको फिर सीधा सीधा ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है।
पार्ट ए होता है व्हाट विल बी द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अरविंद लिमिटेड। फ्रेंड्स ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, ये ई ओ क्यू जो आप निकालते हो, ठीक है। और फिर आपसे बोला है फाइंड द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स एक एक काम करते हैं, मैं आपको जैसा बताया था आपको निकालना है ई ओ क्यू निकालना है, फिर आपको ये होल्डिंग कॉस्ट निकालनी और आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ये निकालनी, ठीक है। तो ये दो कॉम्पोनेंट्स आपको निकालने हैं। तो पहले काम करते हैं ई ओ क्यू निकालते हैं। तो आइए पहले ई ओ क्यू निकालते हैं। तो ई ओ क्यू के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, 2 × आपका एनुअल डिमांड इंटू आपकी क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और डिवाइड करते हो आप इससे कैरिंग कॉस्ट से आप डिवाइड करते हो। सिंपल अगर आप वैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप 2 × ए ओ सी, सिंपल ऐसे लिखते हैं। पहले निकालते हैं फ्रेंड्स एनुअल डिमांड। फ्रेंड्स अगर एनुअल डिमांड निकालते हैं तो इसमें पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, कितना मार्केट था डिमांड 80 मिलियन टायर्स का था, लेकिन अरविंद लिमिटेड कितना दे पा रहा था फ्रेंड्स, सिर्फ 1.15% वो मार्केट को केटर करता अगले साल। तो उसकी एनुअल डिमांड कितनी हो जाती अगर आप इसको दोनों को इंटू करते हो, 9,20,000 की। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको सीधा सीधा दे रखी है 3,500 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि आप एनुअल डिमांड की बात करें, लेकिन आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट है वो सिर्फ आपको पर मंथ दे रखी है, तो आपको इंटू 12 करना पड़ेगा जो आपकी कैरी की कॉस्ट है, तो वो आ जाता है 18 रुपीज की। अब मैं निकालता हूँ ई ओ क्यू, सिंपल सा 2 × 9,20,000 × 3,500 डिवाइडेड बाय योर 18। अब इसको आप रफली कैलकुलेट करते हो तो आता है 18,915 यूनिट। पहले तो आप ये देख लो आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल से क्या करा, एनुअल डिमांड निकाली, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली, कैरिंग कॉस्ट निकाली। तो फॉर्मूले के तीन ही कॉम्पोनेंट्स हैं, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, ई ओ क्यू आ गया आपका 18,915 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट बोलता है आपको निकालनी ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो आइए ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, पहली बात आपने ई ओ क्यू में यहाँ लिख देता हूँ, फिर से ई ओ क्यू आपने निकाली 18,915 यूनिट्स की। और मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी वापस दिखा, देखिए फ्रेंड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं जो आपकी डिमांड होती है, तो आपकी डिमांड क्या है इसमें 9,20,000, तो डी है देखिए एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ई ओ क्यू क्वान्टिटी। ई ओ क्यू क्वान्टिटी क्या है 18,915 × योर एस क्या है आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, तो वो कितनी थी 3,500। ये तो होगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो एक बार इसको यहाँ वापस लिख देते हैं। तो पहले तो आप निकालोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे आपको, 9,20,000 आपकी एनुअल डिमांड थी, और आप एक बार में ऑर्डर जो करोगे वो करोगे 18,915 यूनिट्स का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब आप निकालते हो तो ये लगभग 49 ऑर्डर्स निकल के आते हैं। फिर जब आपको पता है कि आप कितने ऑर्डर्स करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, तो 49 ऑर्डर्स आप करोगे और उसकी कॉस्ट है पर ऑर्डर की 3,500। इन दोनों को जब आप टोटल करते हो तो आता है 171,500, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ रहा है 171,500, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो आप लोग फ्रेंड्स, ई ओ क्यू क्वान्टिटी डिवाइड बाई 2 हम इसलिए निकालते हैं बिकॉज, अच्छा एक बात आप सोचो, मैंने आज एक फ़ोन करके अपने जो स्ट्रॉ मटेरियल सप्लायर है उसको बोल दिया कि भाई तू मेरे को ये 18,915 का ऑर्डर भेज दे, ये लेके आपका उसने भेज दिया और आपने अपने वेयर हाउस में रख दिए। अब क्या फ्रेंड्स ये पूरा टाइम पड़ा ही रहेगा क्या, क्या ये इस्तेमाल नहीं होगा? तो फ्रेंड्स ऐसा होता है, हम कॉस्टिंग में कह रहा हूँ, हम जब ये सामान मंगाएंगे तो ये यूटिलाइज होगा। अब जब एनुअली देखा जाता है तो इसलिए एक एवरेज, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा डेली यूसेज में इस इन्वेंट्री के, इस फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए, मैं आपको पूरा समझा नहीं रहा लेकिन मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ, इसलिए ये बाय डिवाइड बाय 2 करा जाता है बिकॉज ये फ्लक्चुएट होती रहेगी इन्वेंट्री लेवल, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी नहीं कि आप 18,915 अपने पास वेयर हाउस में रख के चलोगे और पूरा फिर होल्डिंग कॉस्ट इंटू कर दोगे, ये आपका यूटिलाइज भी तो होगा, तो हम इसको इसलिए एवरेज आउट करते हैं
ठीक है, कि वो सामान आएगा फिर खत्म होगा, फिर आप मंगाओगे फिर खत्म होगा, तो इसको एवरेज आउट रखी जाती है, इसलिए डिवाइड बाई टू करा जाता है इन होल्डिंग कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, इसमें क्यू डिवाइड बाई टू कर रखा है, यानी ईओ क्यू की क्वांटिटी 18915 डिवाइड बाई टू और आपकी होल्डिंग कॉस्ट 1.5 की। ध्यान देना आपकी 1.5 पर मंथ दे रखी है, इसको आप 12 से इंटू कर दोगे, जो मैंने 18 पहले से ही आपको बता दी थी। तो सिंपल सा क्या करोगे आप, जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको क्या करना पड़ेगा 18915 और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आ जाती है मेरी एवरेज इन्वेंट्री कि इतनी हम एवरेज सपोज करें होल्ड करके चलेंगे। और फिर 1.5 आपका होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है, लेकिन ये पर मंथ है, इसको करूँगा 12 से मल्टीप्लाई, तो इसको जब आप पूरा निकालते हो तो कितना आता है 18915 इंटू आ जाती है आपकी टोटल 170235 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। इनका टोटल कर देते हैं, तो टोटल जब आप करते हो टोटल आ जाता है 341735। तो मैंने आपसे पार्ट नंबर बी में यही पूछा था, फाइंड द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, इट इज 341735 आपने निकाल दिया। तो आपने ई ओ क्यू निकाल लिया, और फिर उसके बाद आपने कैसे कैसे हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं और होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं, हमने वो भी वापस से सीख लिया। तो आपका ये ई ओ क्यू का क्वेश्चन है, एक ये ले लीजिए ई ओ क्यू कैसे निकाला, फिर हमने ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट निकाल दी। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं लेबर कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, इन अ फैक्ट्री गारंटेड वेजेस आर गिवन एट अ रेट ऑफ 1.80 पर आवर एंड आर पेड इन अ 48 आवर्स भी। तो आपका एक हफ्ता है 48 आवर्स का, जिसमें आपका जो वेज रेट पर आ रहे हैं वो है 1.80 का। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट। तो आपने टाइम एंड मोशन स्टडी कराई और एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में यू टेक अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 25 मिनट्स। तो एक यूनिट को जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें 25 मिनट लगते हैं। ड्यूरिंग द वीक अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स। तो एक वर्कर ने उस हफ्ते में, तो हफ्ता कितना है 48 आवर्स का जो वीक है उसमें 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। तो आपसे सबसे पहले पूछा है कि आप टाइम रेट पे उसको कैसे वेजेस दोगे। तो टाइम रेट की वेजेस तो मैंने आपको कितनी बार बता रखी, कुछ नहीं करना होता, आपके नंबर ऑफ आवर्स वर्क इंटू योर वेज रेट। तो आपका कितना काम किया उसने इस हफ्ते में, 48 आवर्स का वीक था इंटू 1.80, सिंपल कर दोगे 86.40 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है सेम डाटा दे रखा है, अब आपको पीस रेट निकालना है विद अ गारंटेड वीकली वेज। अब फ्रेंड्स दिक्कत क्या आ गई, मेरे को पूरे क्वेश्चन में पीस के बारे में नहीं बताया था, सिवाय एक चीज़ के कि मेरे को जो यूनिट है वन यूनिट है वो मुझे 25 मिनट लगते हैं बनाने में, और मेरे को जो रेट दे रखा है आपका वेज रेट वो पर आवर दे रखा है, यानी पर आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 60 मिनट्स का आपको दे रखा है। अब क्योंकि 60 मिनट्स में ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप ये कौन से भी ऐसी चीज़ें करते हो, एक यूनिट को बनने में 25 मिनट, तो 60 मिनट्स में कितने यूनिट्स आप बना लोगे, 60 डिवाइड बाय 25, इसको जब आप सॉल्व करते तो क्या आ जाता है, ये 2.4 आ जाएगा आपका, है ना, तो ये 2.4 आपका ये आ गया। और आपको 60 मिनट्स का रेट दे रखा है 1.80 और आपको 60 मिनट के यूनिट दे रखे हैं, तो क्या आप पर यूनिट वेज नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो, क्या करोगे 1.80 डिवाइड बाय 2.4, तो आपकी 0.75 रुपीस की पर यूनिट की वेज आ गई। तो मैं आपको लिख देता हूँ वापस, वेज पर यूनिट सिंपल सा 0.75, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर आपको क्या निकालनी, अब आपको पीस रेट पे वेजेस निकालनी, तो कितने रेट उसने सॉरी कितने यूनिट्स बने, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेज रेट पर यूनिट, तो कितने यूनिट्स 180 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करे थे, देखो प्रोड्यूस 180 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इनटू वेज रेट 0.75, बिल्कुल सिंपल सा, और इसका आप कैलकुलेट करते तो 135 रुपीस आ जाता है। तो हमने एक बार टाइम रेट से देखा तो नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट, और एक बार पीस रेट से देखा नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट। अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाता है फ्रेंड्स होलसेल प्रीमियम बोनस। फ्रेंड्स होलसेल मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था,
हम इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें आपके दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप नॉर्मल वेजेस देते हो, प्लस मैंने आपको बताया था इसमें आप देते हो बोनस। बोनस कितना एलोकेट होता है टू द वर्कर, 50% ऑफ द टाइम सेव इनटू योर वेज रेट, ये मैंने आपको समझाया था। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल वेजेस तो आपका पार्ट ए में हमने निकाल ली थी, कैसे निकाली थी, नंबर ऑफ आवर्स इनटू वेज रेट, तो कितने थे, सिंपल से हमने निकाले थे ना वो 1.8, सॉरी 48 आवर्स इंटू 1.8 का जो रेट था आपका, तो वो आ जाता है 86.40। आइए बोनस के लिए सबसे पहले निकालते हैं टाइम सेव्ड, ठीक है। अब इसके लिए हम वर्किंग अपनी बनाते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपको एक्चुअल टाइम कितना लगा 180 यूनिट्स को बनाने में, कितना लगा, एक हफ्ते में आपने बना ली ना, यानी आपको लगे 48 आवर्स। और यही चीज़ अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम पे करता, अब देखिए आपने टाइम एंड मोशन स्टडी कराई है, आपको एक यूनिट बनाने में लगता है 25 मिनट, तो आपके 180 कितने आवर्स में बन जाएंगे, 180 डिवाइड बाई 25, ये तो आ जाएगा मिनट्स में, इंटू 25 करके, इसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आवर्स आ जाएंगे। तो आप इसको जब कैलकुलेट करते हो 180 इंटू 25 डिवाइड बाई 60, तो आपके पास आ जाते हैं 75 आवर्स, यानी आपका स्टैंडर्ड टाइम है 75 आवर्स का, वर्कर ने 48 आवर्स में ही 180 यूनिट्स बना दी, तो टाइम सेव कितना हुआ, सिंपल आपका 75 माइनस 48, आपने 27 आवर्स यू हैव सेव्ड, तो वर्कर है सेव 27 आवर्स, सॉरी, तो आपका टाइम सेव कितना है 27 आवर्स। तो आपको बोनस कितना मिलेगा, बोनस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हॉल से प्लान में 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू योर वेज रेट, आप वर्कर को सिर्फ 50% बोनस ही ट्रांसफर करते हैं, तो 50% इंटू 27 इंटू योर 1.8 रुपीज, ये आ जाता है 24.1 कैलकुलेटर 24.3 आ रहा है ना, 0.8 × 0.5 = 24.30। सो दिस इज पार्ट बी, ये आपका जैसे बोनस था बी, और ये आपका पार्ट ए। अगर मैं टोटल वेजेस की बात करता हूँ, विच इज नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, तो आपका पार्ट ए प्लस पार्ट बी 86.40 प्लस 24.30, ये आपका जाता है 110.70। आपकी वेजेस होल से प्लान के अंदर आ गई 110.70। बोनस फिर से बताता हूँ, टाइम सेव का वेज रेट से इंटू करके इंटू 50%, सिंपल सा। अब लास्ट जो है रोन का आता है, मैंने हॉल से तो कराया था, आपको रोन का भी रिवाइज कराता हूँ। रोन में भी फ्रेंड्स दो ही चीज़ें होती हैं, आपकी नॉर्मल वेजेस आप देते हो, तो नॉर्मल वेजेस सिंपल क्या करोगे, 48 आवर्स इंटू 1.8, इसमें आ जाती है बोनस की बात। आइए इसमें भी बोनस का टाइम सेव तो हम निकालते ही, लेकिन इसमें जो बोनस होता है उसमें हम जो आपका इंटू कर देते हैं एक्चुअल आवर्स बाय स्टैंडर्ड आवर्स से, और इंटू कर देते हैं वेज रेट, 50% की बजाय हम ऐसे जो एफिशिएंसी लेवल है उसे इंटू कर देते हैं, तो आपका टाइम सेव तो हमने निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में, तो आप टाइम सेव यहाँ से ले सकते हो, तो आपने 27 आवर्स सेव करे थे। तो मैं टाइम सेव आप खुद से वापस निकाल लेना, मैं टाइम बचाने के लिए आपको बताया था हमने 27 आवर्स सेव करे थे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करोगे, नॉर्मल वेजेस तो निकल गई आपकी 48 × 1.80, तो ये तो हमारी आई थी 86.40, सो दिस इज योर पार्ट ए। बोनस इज पार्ट बी, टाइम सेव हुआ 27 आवर्स का, एक्चुअल आवर्स मेरे को एक हफ्ते में 180 यूनिट बनाने के लिए बने 48 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स देखो मैंने निकाले थे, तो स्टैंडर्ड आवर्स थे आपके 180 यूनिट्स इंटू 25 मिनट्स में आप एक यूनिट बनाए थे, और उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर लिया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ तो एक्चुअल आवर्स 48, स्टैंडर्ड आवर्स 75, तो ये आप बोनस का एक पार्ट ये है, इंटू आप कर दोगे वेज रेट, ठीक है। तो 27 × 48 × 1.8 / 75, तो ये आ जाता है आपका 31.10, ये आता है आपका पार्ट बी ऑफ योर बोनस। तो बोन जो रॉन में है, हम टाइम सेव इंटू वेज रेट, ये आपका पार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसमें हम
एक्चुअल आस बाय स्टैंडर्ड आस एफिशिएंसी लेवल जैसे इनटू इसमें कर देते हैं। तो आपकी वेजेस क्या होगी, योर नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस आपकी मैंने निकाल ली थी 86.40 प्लस योर बोनस 31.10। इसको आप टोटल करते हो तो आ जाता है 117.50। तो फ्रेंड्स ध्यान से, रॉन में पॉलिसी में 50% ऑफ टाइम सेव्ड है, रॉन में आपका टाइम सेव्ड इनटू एक्चुअल आवर्स बाय स्टैंडर्ड आवर्स है। तो ये आपके लिए, एक बार मैं इसको दूसरे पेन से एक बार आपको फिर दिखाता हूँ, ये आपका चीज़ डिफरेंट है फ्रॉम द पॉलिसी। ठीक है, टाइम सेव्ड आप दोनों में ही निकालते हो, बट मैं जस्ट कॉम्पोनेंट का बता रहा हूँ। इधर हमने जो करा है टाइम सेव्ड इंटू 50% करा है, और इधर जो मैंने करा है टाइम सेव्ड इंटू एक्चुअल आवर्स बाय स्टैंडर्ड आवर्स का। तो ये आपके, मैंने होलसेल रॉन पीस रेट एंड टाइम रेट रिवाइज करा दिए। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद करा दिए, देख करके आप आराम से देख लीजिएगा इनको। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है द एक्सट्रैक्ट ऑफ मिसेस मोहता ब्रदर्स इज एज फॉलोस। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके 150 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द ईयर 200 है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइन 20, नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज है 5, और नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्जेस आर 20। तो आपको जो है, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है तो उसको आपको निकालना है, कैलकुलेट जो है आपकी लेबर टर्नओवर फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। अच्छा, ये मैंने आपको सिखा रखा है कैसे होती है। सबसे पहले आता है आपका सेपरेशन मेथड, उसको हमने कैसे करा हुआ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय योर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ये मैंने थोड़ा जल्दी इससे चल रहा हूँ, मैंने ये लास्ट टाइम आपको पूरा कंसेप्ट बता रखा है। तो जो एमसीक्यू सीरीज है, अगर आप मेरे साथ रेगुलरली कर रहे हैं तो ये चीज़ मैंने आपको सेपरेशन मेथड पहले भी करा रखी है। सेपरेशन मेथड्स में हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो जो वर्कर्स ने रिजाइन कर दिया है, और एक जो वर्कर्स ने आपके कंपनी ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है सर्विस से। फिर आप डिवाइड करते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से, तो वो मैंने आपको पहले बता रखा है, ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितने वर्कर्स थे डिवाइड बाय 2 आपके एवरेज वर्कर्स निकल आते हैं। तो रिजाइन कितने करे फ्रेंड्स, 20 रिजाइन करे, 5 को डिस्चार्ज कर दिया, डिवाइड करोगे किससे, एवरेज से। तो एवरेज क्या है, 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाता है 175, है ना। तो आपका 25 डिवाइड बाय 175, इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो आता है आपका 14.29% की लेबर टर्न। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड आपका मैंने बताया था होता है रिप्लेसमेंट मेथड। आपका रिप्लेसमेंट मेथड सीधा सीधा दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो फ्रेंड्स क्या करोगे, 20 है आपके नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, सीधा सा ये दे रखा है ना आपको, देखो ये रहा। फिर और एवरेज, एवरेज क्या थी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो 20 डिवाइड बाय 175 इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 11.43%। और लास्टली आपका क्या होता है, फ्लक्स मेथड, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें आपका ये कॉम्बिनेशन होता है कि आपके जो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड है प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड है, और इनको आप डिवाइड कर देते हो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से। तो वो कितने थे, सेपरेशन कितनी है, देखिए एक सेपरेशन दो सेपरेशन रिजाइन की और डिस्चार्ज की, तो 20 प्लस 5 प्लस आपकी ये जो अभी हमने करा है कितने रिप्लेस हुए प्लस 20 आपके रिप्लेस हुए डिवाइड बाय 150 एवरेज, या निकाल लोगे सिंपल आपका कितना हो गया, 45 डिवाइड बाय 175 परसेंटेज में 25.71% आपका आंसर आ गया। तो हमने तीन मेथड वापस से, जो आपका फ्लक्स मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है, और आपका सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर, मैंने आपको वापस से रिवाइज करा दिया।
बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स अब आ जाता है ओवरहेड कॉस्टिंग से कुछ क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स बोला है इंडिकेट द बेस और द बेसिस दैट यू वुड रिकमेंड टू अपोर्शन द ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास अगर टोटल ओवरहेड कॉस्ट होती हैं और उनको आपको अपोर्शन करना है तो आपके पास कोई सूटेबल बेस होना चाहिए। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट दे रखी है कि सपोज के लिए कि सप्लाई की कॉस्ट है तो आप ये क्या बेस लोगे कि बांटोगे। अच्छा सप्लाई कैसे करते हो, आपके पास अगर स्टोर में सप्लाईज आती है, सपोज कीजिए ऑफिस सप्लाईज आती है, अभी मैं सिर्फ एक बात कर लेता हूँ ऑफिस सप्लाई। अब आपके पास सपोज कीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट है आपका, आपका आईटी डिपार्टमेंट है, फिर आपका मैं बोलता हूँ परचेज डिपार्टमेंट है, फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या हमारे पास जो ऑफिस की सप्लाईज है, सपोज कीजिए स्टेशनरी है, पेन है सपोज, ठीक है, अब ये आपके सारे डिपार्टमेंट्स को जाएंगे तो क्या होंगी जो आपने सप्लाई करी होगी, तो हम क्या बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ सप्लाई मेड टू ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, कि हमने पेन अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कितने दिए, पेन आईटी डिपार्टमेंट को कितने दिए, पेन परचेज डिपार्टमेंट को कितने दिए, जो हमारे पेन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने, तो आपके जो नंबर ऑफ सप्लाईज हैं ईच डिपार्टमेंट को कितने गए हैं। अच्छा रेंट पे आ जाते हैं, नॉर्मली तो रेंट आपको पता है पर महीने के हिसाब से आप कहते हैं तो भैया ये रेंट है, लेकिन जब कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं तो जनरली जो रेंट है फ्रेंड्स वो फ्लोर एरिया से हमारा देखा जाता है कि कितना एक डिपार्टमेंट या एक प्रोडक्शन प्लांट हमारा कितना फ्लोर एरिया कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से इनको एलोकेट करा जाता है जो रेंट का कॉस्ट होता है। पावर एंड लाइट आपकी कैसे आती है, मीटर आपका नॉर्मली अगर आप बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में देखो तो किलोवाट आवर से जो पावर एंड लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। इनडायरेक्ट लेबर ये जो होता है ये होता है एज अ परसेंटेज ऑफ योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का एक परसेंटेज होगा। या आप क्या कर सकते हो, कभी कभी बार जितने डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने यानी जितने घंटे काम किया होता है, मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसके हिसाब से भी चलता है। सपोज कीजिए आपका जो वर्कर है, ठीक है, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बोल देता हूँ, आपकी जो है इनडायरेक्टली कॉस्टिंग एक बार मान लीजिए हैं एग्जाम्पल ही दे रहे, तो आपके वर्कर है जो डायरेक्ट लेबर है आपकी वो आती है दिन में 8 आवर्स काम करती है मशीन पे, मशीन चलती रहती है 8 घंटे, तो जो बिजली चल रही है वो भी तो 8 घंटे ही काम होगा इनटू कुछ भी रेट जो भी बिजली का रेट होगा आपका, तो इसलिए मैंने बोला या तो एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या कभी कभी बार हम डायरेक्ट लेबर आस इनटू सूटेबल रेट से भी इनडायरेक्ट लेबर को बांट सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये जो आंसर है, देखिए सप्लाईज के लिए जैसे मैंने बोला था कि आपने जो पेन की सप्लाई एक्चुअली करी है किस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, फिर मैंने आपसे बात करी है रेंट की, तो फ्लोर एरिया पे जैसे मैं बता रहा था कॉस्टिंग में जो सूटेबल एब्जॉर्प्शन सॉरी अपोर्शनमेंट हेड है वो फ्लोर एरिया बोल रखा है, पावर एंड लाइट में आपको किलोवाट आवर्स या हॉर्स पावर में बोल रखा है, फिर इनडायरेक्ट लेबर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये थी एक छोटा सा एलोकेशन कैसे करोगे, अगर आपको कॉस्ट दे दी टोटल जैसे बोल दिए भाई ये तो टोटल सप्लाई दें, फिर आपको वो देगा कि भाई ये सप्लाई मैंने इस डिपार्टमेंट को दी है, ये पेन की सप्लाई मैंने इस डिपार्टमेंट को दी है, आपको टोटल करके बस डिवाइड करनी होगी, ठीक है ना। तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय योर सूटेबल बेस, इससे क्या आ जाता है आपका एक ओवरहेड रेट आप लोग निकाल देते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर इन द ईयर 2019-20 ऑफ द एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो आपकी क्वार्टर वन में कुछ प्रोडक्शन है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्वार्टर टू में आपकी कुछ प्रोडक्शन की कॉस्ट प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं और उसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है आपको इसको सेग्रीगेट करना है इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करते हो आप लोग, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है आप बोलते हो क्या फॉर्मूला होता है आपका, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइड कर देते हो आप इसको चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी से। तो चाहे चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका 310,000 माइनस 2,00,000
80,000 310,000 माइनस 280,000 डिवाइड किससे करोगे आपका 42,000 माइनस 36,000 ठीक है। तो ऊपर क्या आया आपका 310 माइनस 280 30,000 की और नीचे आपकी 6,000 की यूनिट्स में चेंज है तो ये कितनी हुई वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट आ गई। अब मुझे निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या करोगे आपको टोटल कॉस्ट दे रखी सपोज कर लेते मैं अभी 36,000 की बात करता हूँ तो वो दे रखी आपको 280,000 लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 5 रुपये पर यूनिट का कैसे करोगे 36,000 इंटू 5 ये आ जाती है फ्रेंड्स 1,80,000 इसका जो डिफरेंस हो जाता है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हो जाता है फिक्स कॉस्ट जो आपका आ गया 1,00,000 रुपीज का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कुछ भी नहीं एक वेरिएबल कॉस्ट कैसे है और फिक्स कॉस्ट कैसे है ठीक है बहुत आसान सा ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब आएगा जॉब या बैच कॉस्टिंग से कुछ सवाल। तो फ्रेंड्स बोला है अ कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स तो किसी ने आपको ऑर्डर करा है तो ये जॉब कॉस्टिंग का एक पार्ट होता है ठीक है। एट द रेट ऑफ 18,000 पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स तो यानी 90,000 स्पेशल डिजाइन के मेटल कॉलम्स थे ठीक है और 18,000 पर ऑर्डर यानी एक बार वो 18,000 का ऑर्डर आपको दे रहा था एक बार में तो प्रोडक्शन कॉस्ट आर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट दे रखी है तो मटेरियल की कॉस्ट आपको 120 दे रखी है ठीक है INR 120 फॉर द मटेरियल INR 60 फॉर द लेबर एंड INR 20 फॉर द फिक्स्ड ओवरहेड्स तो ये आपको पूरी प्रोडक्शन की उन्हें कॉस्ट देती कि उनको जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मटेरियल इतना लेबर इतनी और ओवरहेड्स इतने इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप वन रन तो एक बार जब रन करती है उनकी मशीन तो उसको सेटअप करने में 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं ऑफ 18,000 कॉलम यानी एक बार में 18,000 कॉलम बनते होंगे और उसको सेटअप करने में 1500 रुपये लग जाते हैं। इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट इज 15% सिंस दिस कस्टमर में बाय एटलीस्ट 5,000 कॉलम्स दिस ईयर तो आपको इन्वेंट्री कॉस्ट एज अ परसेंटेज दे रखिए और मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज होती है तो हमेशा वो एट अ आपकी जो जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो एज अ उसका परसेंटेज दी गई होती है यानी इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी जो 15% कोटेड है ये एज अ परसेंटेज ऑफ योर प्रोडक्शन कॉस्ट कोटेड करी गई है ठीक है। द कंपनी वुड अवॉइड मेकिंग 5 डिफरेंट प्रोडक्शन रन्स फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन तो आपको मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन निकालना है फ्रेंड्स ये कुछ नहीं होता इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ये सिंपल आपको जैसे ईओक्यू होता है ना बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ देखिए टू आप उसमें भी करते हो अच्छा उसमें फॉर्मूला क्या होता है आपका ईओ क्यू का अगर आप डिवाइस करो 2 into A into O C और ये अंडर रूट है ना इसमें क्या होता है देखिए इंटू एनुअल आउटपुट होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगी आपकी सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन और आपकी सिंपल कैरिंग कॉस्ट तो वही है तो आपकी इसमें क्या दे रखी है उन्होंने इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और वो परसेंटेज में दे रखी है और मैंने आपको बताया वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। अब आते हैं देखते हैं देखिए टू आपकी एनुअल आउटपुट कितनी है फ्रेंड्स 90,000 की है उन्होंने 18,000 मांगे पर ऑर्डर में पिछले सालों में और 90,000 आपको ऑर्डर मिला है तो पूरी एनुअल ऑर्डर्स आपके 90,000 यूनिट्स में। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन कितनी है सिंपल से आपको पूरी दे ही रखी है एक रन के 1500 रुपये हैं और आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितनी है फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया 15% है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे होती है आपका डायरेक्ट मटेरियल है 120 का डायरेक्ट लेबर है 60 की और आपके ओवरहेड्स दे रखें 20 रुपीज़ के तो टोटल कितना आता है 200 ये आ जाता है तो आप इसको 15% इंटू 200 करोगे। अब आप इसका जब कैलकुलेशन करते हो मैंने पहले से करके रखा हुआ है तो ये आता है आपका 3000 यूनिट्स की आपकी प्रोडक्शन रन करोगे तो सिंपल सा है अगर आपको ये प्रोडक्शन रन का पूछे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या ले लेते हो आप सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन। तो ये था आपका एक जॉब कॉस्टिंग से कि हम इसमें भी ईओक्यू निकालते हैं लेकिन हम इसमें निकालते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन कि एक बार में मशीन कितनी चलेगी या हम कितना एक बार में बनाएंगे ठीक है। बढ़ते हैं आगे अब आते हैं कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग से कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के आपको याद हो तो मैंने पिछली बार आपको एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का कैलकुलेशन करके बताया था आज मैं आपको
जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी होती तब कैसे होता है, तब कैसे निकालते हैं, तब देखते हैं। देखिए, अ प्रोडक्शन पासेस थ्रू प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। तो एक कोई प्रोडक्ट है जो प्रोसेस वन पे जाता है, वहां से निकल के प्रोसेस टू पे चला जाता है। मटीरियल्स इश्यूड टू प्रोसेस वन अमाउंट टू INR 40,000, वेजेस 30,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऑफ INR 27,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वॉज 5% पर 5% ऑफ द इनपुट। तो आपका नॉर्मल लॉस जो है वो बोल रहा है आपको, जो नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ योर इनपुट। ठीक है, 4750 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस वन, यानी जो प्रोडक्ट गया उसमें से प्रोसेस टू में 4750 यूनिट्स गए। ठीक है, प्रोसेस वन से निकल के प्रोसेस टू में, देर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स। ठीक है, इनपुट रॉ मटेरियल इशू टू प्रोसेस वन वॉज 5000 यूनिट्स, यानी 5000 यूनिट्स में से आपके 5% तो नॉर्मल लॉस हो जाना चाहिए था। उसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 4750 यूनिट्स जैसे गए हैं तो वो प्रोसेस टू में चले गए। तो पहले तो एक चीज कैलकुलेट कर देते हैं, आपका नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 5% इंटू 5000 का जो इनपुट यूनिट्स हैं, तो ये आप निकालते हो तो आता है 250। तो आपके जो 5000 हैं इनमें से माइनस 250 करोगे तो 4750 नॉर्मली आपके नॉर्मल लॉस के बलो, मतलब ये तो आम बात है होने की, तो इतना तो आपका प्रोसेस टू में पहुंच जाना चाहिए था। और क्या इतना पहुंचा है, बिल्कुल दे रखा है 475 यूनिट्स आपका जो है प्रोड्यूस होके प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में चला गया। अब आपको जो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड द यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। तो आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है और कितना प्रोसेस टू में हम कॉस्ट लेंगे ऑफ दिस 4750 यूनिट्स, आपको ये निकालनी है। सबसे पहली चीज आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आप देखो नॉर्मल लॉस क्या दे रखा है, स्क्रैप हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, यानी जो 250 यूनिट्स आपके खराब हो गए और आप उनको स्क्रैप में बेचते हैं तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं, तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। और क्या रीजन है, सिंस देयर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ठीक है, दूसरी चीज आ जाते हैं, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, और वो भी किसका, 4750 यूनिट्स का। मैंने आपको पहले बता रखा है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल लॉस होता है जनरली हम उसको स्प्रेड कर देते हैं ओवर द फुल यूनिट्स, यानी आप नॉर्मल लॉस को अपने कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस को आप अपने कॉस्टिंग पीने में ले जाते हैं। अब आपको जो 4750 यूनिट्स की कैलकुलेशन है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, आपकी टोटल कॉस्ट माइनस योर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइड करोगे आप किससे, डिवाइड करोगे आपके टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ये तो आपकी हो जाएगी पर यूनिट की, गुड यूनिट की कॉस्ट इनटू क्या कर दोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड। तो 4750 से इनटू कर देंगे। पहले निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट क्या दे रखी है आपको, देखिए पहले दे रखा है आपको मटेरियल्स हैं 40,000 रुपीज़ के, तो मटेरियल आपका 40,000 का। फिर आपके वेजेस दे रखे हैं आपके 30,000 रुपीज़ के, और आपको फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं 27,000 के। टोटल आप जब इसका कर लेते हो तो ये आ जाता है 97,000। तो आपका एक सेकंड फ्रेंड्स रुकिएगा, हाँ तो ये 97,000 आते हैं। तो आपका वैल्यू निकालता हूँ मैं, आपको क्या आ गई फ्रेंड्स 97,000 टोटल कॉस्ट, माइनस कितना रिलाइज हुआ नॉर्मल लॉस से, जीरो, कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ। कितना इनपुट गया है फ्रेंड्स, 5000 यूनिट्स का, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया मेरे को 250 यूनिट्स का, इन टू किससे करूँगा मैं 4750 यूनिट से इनटू कर दूंगा। ये मैं स्प्रेड कर दूंगा ओवर द गुड यूनिट्स, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं नॉर्मल लॉस को अपने जो क्या कहते हैं गुड यूनिट्स है उन पे एब्जॉर्ब कर देता हूँ या उन पे स्प्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लाइन आपको लिखवा भी देता हूँ, द कॉस्ट ऑफ
normal loss is absorbed by good units produced. तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं पार्ट दूंगा अपने जो ठीक यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स मैं बेच सकता हूँ फर्दर, उन पे नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाती है. ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करना है 97,000 इंटू 4750 और डिवाइड भी किससे हो रहा है 4750 से. तो आपको क्या आ जाएगी वैल्यू, सीधा सीधा 4750 की आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 97,000 की. ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल लॉस का वैल्यू हो गया. और आपके कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं 4750 और उसकी वैल्यू क्या आ गई 97,000. तो ये आपका आंसर एक ये है, एक आंसर आपका ये है. सिंपल है, कुछ भी नहीं करना. ये फॉर्मूला आप याद रखो, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, इसी से कर दो नंबर ऑफ कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं. और यही फॉर्मूला से मैंने आपको लास्ट टाइम एबनॉर्मल लॉस भी निकलवाया था. ये तो जो नॉर्मल लॉस होते हैं वो तो स्प्रेड हो जाते हैं गुड यूनिट्स पे, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी जो पूरी कॉस्ट है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है आपके लॉस में या एक्सपेंस, जैसे आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझा दी थी. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है एक प्रोसेस.